हेलो नमस्कार, क्या हमारी विधायक जी से बात हो रही? जी अमित शुक्ला पनगड़ी से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोले शुक्ला जी। अरे यहाँ के पनगड़ी के हमारे यादव समाज के काफी लोग वहाँ फंसे हुए हैं मुंबई में। हाँ तो आपको हम कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन आप बताइए कोई प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं। नहीं तो क्या प्रक्रिया दे बताइए, वहाँ कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था करवाइए। जिला वाइज जिला सील्ड कर दिए हैं। नहीं तो दिल्ली बॉम्बे इंदौर ये भोपाल वगैरह में ज्यादा ये मर्ज है। नहीं हमारा आशय उन्हें सुने पहले, हमारा आशय ये नहीं है कि आप उन्हें बुलाएं यहाँ। निवेदन बस इतना है कि जो जहाँ है वहीं उनके खाने पीने की व्यवस्था बस हो तो जाए। क्या वहाँ की सरकार खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, लोग परेशान हैं, वीडियो जारी अच्छा, कर रहे तो हैं। लोग परेशान है तो कितने लोग हैं वहाँ, उनका नाम पता एड्रेस और उनका खाते का नंबर हम तो ठीक कई है ना? बार और एक आवेदन पत्र कलेक्टर के नाम से बना करके लाइए। वो तो हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन नाम पता आपको हम दो तीन दफा भेज चुके हैं। ये भेजने से काम नहीं चलेगा, एक आवेदन पत्र बना करके उनका नाम पता आधार कार्ड है ना, और जी ये बैंक का खाता। तो डिजिटल माध्यम से आज तो आप तक अगर भिजवाएं तो चलेगा? अभी तो लॉकडाउन में नहीं, आना जाना ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ कलेक्टर कहाँ जमा करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ आने जाने का कहीं है नहीं, पूरा बंद है, लॉकडाउन है एकदम, तो इसे कहाँ चले जाएंगे? कैसे किया जाए लॉकडाउन, आप ही भर के लिए छोड़ू है यार, लॉकडाउन तो सबके लिए है ना। नहीं तो यहाँ ये आप ये बताइए, मंत्री जी करा रहे हैं, राजन शुक्ला जी को देखिए, अन्य किसी को करा रहे हैं, कूड़े करा रहे हैं हम आपको, तो यही एक दो बार राशन इन्हें बतावा हमका इन्हीं के कराई नहीं, एक आध राशन पहुंचवाई नहीं। भोपाल में है मंत्री जी का करा दे, अपना बात करिए एक बार उनसे कि अपना नहीं करा रहे हैं। अरे तो यार बात करिए, अब हम कह दे कि सबके करा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ आधार है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ तो बताइए ना क्या आधार है आपका। हम आपको ट्वीट दिखा देंगे उनका। देखिए असल में है क्या, जी जी पहले पास बनता था जी, जो जिला के बाहर से कलेक्टर पास बनाता था, जो जिला के अंदर से एसडीएम बना देते थे जी जी, कंट्रोल रूम से भी बनता था, एसडीएम कार्यालय से भी। नहीं है। ये जब से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, इससे पूरे लॉक कर दिए, पूरे प्रदेश का बॉर्डर बंद कर दिए। हमें पास की आवश्यकता नहीं है, निवेदन बस इतना है कि जो है वहाँ तो उनकी भोजन की मतलब कुछ खाद्य सामग्री अगर उन तक तो पहुंच जाएगी। तो उपाय बता रहे हैं भैया, नहीं तो वहाँ के आवेदन देखिए वो तो हम दे देंगे, पार्टी कार्यकर्ता हैं, अन्य माध्यमों से करा रहे हैं लोग व्यवस्था। अब हम बोलते हैं किसी से तो वो बोलते हैं अन्य माध्यमों से क्या व्यवस्था करा रहे हैं बताइए, जो बाहर रुके हुए हैं जी जी क्या व्यवस्था करा रहे हैं, राशन वोशन पहुँचवा रहे हैं, राशन पहुँचवा रहे हैं? नहीं राशन यही नहीं भिजवा रहे हैं, यही अभी पार्टी से कलेक्ट हुआ है जो नहीं बोरियों तो में वितरण करने के लिए, यही बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया है। मतलब आप ही के पार्टी द्वारा ये इस चीज की पुष्टि की जा रही है कि हम जनता के लिए तत्पर एकदम 24 घंटे खड़े हैं, हर संभव मदद कर रहे हैं, पर आप ये ऐसा बोल रहे हैं? जो यहाँ के लोग हैं बताओ ना किसको नहीं मिल रहा, जो रीवा में है। अरे तो रीवा में तो बताइए हम दिलवाते एक बात बताएं, रीवा के लिए तो हम खुद पहुंचा सकते हैं, कोई सूरत में हो कोई कानपुर में है तो उसके लिए कैसे करे बताइए, तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन से निवेदन कर सकते हैं जो आपके पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं। पता ये चलिए कि 16-17 लोग शायद कहीं आ चुके, अब यहाँ के लोग लागे फोन करें उनका उनका बाहर आवे न दे, उनका यहाँ अंदर आवे न दे, यहाँ अंदर आवे न दे, मर्ज फैला दे वहाँ के आई, सब तरह से यार लोग बताते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी शासन ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि यहाँ के स्थानीय पंचायत के सचिव सेक्रेटरी के मतलब यहाँ से एक सूची बना के जनपद में भेजी जाए, अगर किसी के अंदर कोई किसी प्रकार का लक्षण है तो उन्हें जांच के बाद आइसोलेट। ये तो सब मानते हैं जांच के लक्षण है तो जांच करा रहे हैं, बाहर से जो आएंगे तो जांच ही करवा के नहीं आएंगे? नहीं तो ये वहाँ पहले जांच करवा लेते जब इसके बाद सर्टिफाई करते हैं। अनावश्यक लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, हमारा इस संबंध में एक ही उपाय है, अगर करना है तो कर लीजिए, वहाँ जितने लोग हैं उनकी बकायदे लिस्ट बना लीजिए, उनका बैंक का खाते नंबर वो कर लीजिए, वो तो यहाँ कलेक्टर कहाँ जब जमा करेंगे तो ये सीएम कार्यालय जाएगा, सीएम कार्यालय से पैसा उनको 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। तो अभी हम कलेक्टर
कार्यालय तक कैसे पहुंचे, आप इसका कुछ मार्गदर्शन करेंगे? अरे सब चले आवत है यार, दुकान मुँह नहीं लगा लागा है, तमाम सारे घूम रहे हैं तो नहीं आए, मिले भटवा में नहीं निकले, मिले अपना रीवा तक नहीं, शहर में इतना प्रतिबंध नहीं है, गांव में इतना बड़ा प्रतिबंध है, तो नहीं तो ठीक है, दुनिया के लोग आ रहे हैं। अगर अरे सुबेरे तू चले आवा 8-9 बजे 11 बजे तक क्यों बोलते नहीं है? अगर मान ले हम जाओ, अगर कुछ समस्या आई तो हम अपना के बात कराओ। हाँ बात कराए ठीक है, बता देने की भाई ऐसा ऐसा हुआ, फंसे कलेक्टर से मिला जाए काम का। जी 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 हाँ, तो अभी आप भाई देखा दोनों काम तो न हुई देखा। जी जी कखड़ी के मुंह दब नहीं हुआ भाई, कुछ ना कुछ तो करे पड़ी, अगर ऐसा है तो करो। मंत्री जी जो है राजेंद्र शुक्ला जी, तो वो संपर्क करके पूनम महा, नहीं हम लोग भी चाह रहे हैं सीएम से बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भाई कुछ बहुत सारे लोग नागपुर में फंसे हैं, सूरत में फंसे हैं यहाँ के लोग, तो वही बात आती है कि हम वहाँ के उन प्रदेशों के लोग जो हमारे या प्रदेश में है उनकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा करते कि हमारे जो मध्य प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं उनकी भी व्यवस्था करिए, क्यों टेंशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ समझ में नहीं आवे। यहाँ हमारे यहाँ के लोग बेचारे जो गरीब शरीफ है उनका भोजन तक दे रहे। सबसे बड़ी समस्या यह दिहाड़ी वाले के है, जो रसू का जन प्रदेश है वहाँ के, जो दिहाड़ी मजदूर रह के वहाँ काम कर रहे हैं उनका अधिक यह रहा कि सुबह कमाओ शाम को खाओ, नीचे वर्ग के है। नहीं ये पूरी तरह से लाग कर दिए हैं, जिला वाइज जिला लाग कर दिए हैं, ऐसा नहीं है इधर एक जिले से दूसरे जिला को नहीं जाने दे रहे। नहीं अभी तक ये जानकारी थी, एक दो प्रकरण भी सामने आए कि सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के प्रतिनिधियों द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन अब अरे यार सहायता उपलब्ध ऐसा ना करावा जा रहा जी, ये पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा जो है जी कुछ सामग्री मंगाई गई थी कि गरीबों का वितरण करना है जी, समझ गए जी, कम से कम 100-200 मतलब वो बोरी मंगवाए गए थे जी जी, अब इतना 100-200-400 बोरी का आया यार। वो तो ठीक है पर मान लीजिए हमसे जुड़े हैं, से जुड़े हैं, बार बार फोन लगा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तब उनका ऐसा फिर वह जुड़े वाली बात यार कर रहे हैं। अब हम ये बताइए हम कहीं से बोरी के वितरण यहाँ ना करा दे यार, पर वहाँ वाले के कैसे कराओ? अगर हम यहाँ अभी कलेक्टर के पास आवेदन देंगे तो कलेक्टर एक दो दिन के पास कलेक्टर के पास इधर सुने यार, सुना भी कुछ क्षमता रखा जी भाई, कलेक्टर के पास आवेदन देंगे तो कलेक्टर यहाँ से सीएम कार्यालय को भेजेगा, तो इस प्रक्रिया में कुछ दिन का समय लगेगा। अरे फिर वह बताया लगे बताइए, तो वो सीएम कार्यालय को भेजेंगे तो सीएम फिर वहां से पैसा उनके खातों पे भेजेंगे, तो समझ गए बात को? वो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो ये प्रक्रिया होगी खाता नंबर इकट्ठा करना सीएम के भेजने तक खातों में पैसा, इसके लिए टाइम लगेगा ना? लोग हैं तो फोन से बताते ना होंगे, जब आपके आदमी है तो उनको लगाओ फोन, तो अभी खाता नंबर उनका वो तो ठीक है, लेकिन पूछिए कि कहाँ रह रहे हो, किस टोले पे रह रहे हो, कौन से गांव पे रह रहे हो, वो तो हम करवा के जानकारी एकत्रित करके कुछ ना कराओगे यार। हेलो जी, विधायक जी से बात हो रही है हमारी? हाँ जी नमस्कार, मैं सचिन शर्मा सूर्या पत्रकार बात कर रहा था रीवा से जी। विधायक जी एक जानकारी चाह रहा था आपसे, अभी आपका एक आरडीओ वायरल हो रहा है जो आपके विधानसभा क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता ने आपको फोन किया था, जिसमें उस आरडीओ में आपके द्वारा कहा जा रहा है शुक्ला जी सुन लीजिए जी, मैं शर्मा जी हूँ। अच्छा शर्मा जी भटवा के हैं आप? नहीं नहीं मैं रीवा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा रीवा से बात, में एक आरडीओ वायरल हो रही है, उस आरडीओ के संबंध में आपसे मैं पूछना चाह रहा था। उस आरडीओ में आपके द्वारा कहा गया रहा कि मंत्री जी कहाँ बंटवा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा है, और मुख्यमंत्री महोदय के लिए आपके द्वारा आप शब्दों का प्रयोग किया गया, तो क्या वो आरडीओ सही है? वो बिल्कुल गलत है, वो आपका आरडीओ नहीं है।
कौन कौन कहा है कि मंत्री जी नहीं बंटवा रहे हैं? आपके द्वारा जब जिस व्यक्ति ने आपसे बात की उस ऑडियो में आपके द्वारा कहा जा रहा है कि कहाँ बंटवा रहे हैं मंत्री जी, बताओ। कहा है कि उनका कहना ये है जी कि जो प्रदेश के बाहर रह रहे हैं उनको मंत्री जी खाना पहुंचवा रहे हैं। नहीं नहीं, आपके द्वारा ऑडियो में की व्यवस्था कर रहे हैं तो हमने कहा कि मंत्री जी हैं ही नहीं। आपके द्वारा ऑडियो में कहा गया है, आपके द्वारा बंटवा रहे हैं वो विधायक जी। हाँ जी, आपके द्वारा ऑडियो में कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अन्न कलेक्ट किया है वो अभी तक क्षेत्र में ही नहीं पहुंच पाया है। अच्छा, आप कल आ जाइएगा जी तो हम पूरा बता देंगे आपको। अच्छा, पहले अच्छा, आप आइए तो। चलिए चलिए, तो उस ऑडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप आएंगे कल तो फिर हम बताएंगे। चलिए चलिए, धन्यवाद जी।